नमस्कार, ग्लिपजॉटिन में आपका स्वागत है। महिला पुरुष कप्तान नीतू कमल अपने प्रगतिशील विचारों के कारण देश भर में जानी जाती हैं। अपने अल्पकाल के कार्यकाल में उन्होंने अनेक सकारात्मक कदम उठाए हैं। अंधविश्वास के खिलाफ अलख जगाने वाली आप पहली महिला पुलिस कप्तान हैं, मगर आज जिला में एक महिला एसपी के होते बालिकाएं प्रताड़ित हो रही हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता कमल किशोर की एक खास रिपोर्ट। यह है जिला चापा जाजगीर का पंतोरा थाना परिसर, जहां ट्रैक्टर से भरकर गांव की लड़कियां, महिलाएं आदि एक युवक जो पेशे से ड्राइवर है उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने पहुंची हैं, जो लड़कियों को लंबे समय से टिप्पणियां कर परेशान करता रहा है। पंतोरा थाना क्षेत्र के ग्राम केरा कछार का एक शख्स जोहन, जो पेशे से ड्राइवर है, गांव की लड़कियों को लंबे समय से परेशान करता रहा है। स्कूल आते जाते बच्चियों को परेशान करना और टिप्पणियां करना उसकी आदत बन चुकी है। इससे गांव घर की महिलाएं, बच्चियां परेशान और हलाकान हैं। परिणाम स्वरूप जोहन आज पुलिस के शिकंजे में है। कई बार पुलिस को शिकायत की गई, रिपोर्ट भेजी गई, मगर जोहन हमेशा पुलिस से बचता रहता। आज यह पुलिस के शिकंजे में आ गया है, मगर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमारे संवाददाता ने जब इस मामले की पड़ताल की तो आश्चर्यजनक तथ्य सामने आए हैं। वह यह है कि ऐसे गंभीर अपराध करने वाले को पंचकुला थाना पुलिस द्वारा मात्र 151 भादवी के तहत कार्रवाई कर छोड़ दिया जा रहा है, जो सीधे सीधे बालिकाओं और महिलाओं के साथ पक्षपात हो रहा है, और वह भी तब जब एक सशक्त महिला नीतू कमल चापा जाजगीर जिला की पुलिस कप्तान की कमान संभाले हुए है। होना तो यह चाहिए था कि यह ऐसे शख्स को कुछ ऐसी सजा मिलेगी, दोबारा कभी बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत ना हो। पुलिस को सिर्फ औपचारिकता नहीं दिखानी चाहिए, मामले को गंभीरता से भी देखना चाहिए। कई किलोमीटर दूर ग्राम केरा कछार से आई हुई लड़कियां, वह भी ट्रैक्टर में भर, मामले की संजीदगी को दिखाता है। ग्लिप्स के माध्यम से हम पुलिस कप्तान नीतू कमल से अपेक्षा करते हैं कि आगामी समय में ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करें, ताकि जिले का माहौल सद्भावपूर्ण बना रहे। क्या बोलता है, क्या करता है? हम लोग कंधे जाते हैं स्कूल ना, हम लोग आते हैं तो अनाप शनाप बकते रहता है, और लगता है कि तुम लोगों को ऐसे कर दूंगा। हाँ, गाली गलौज आती है। कब से कर रहा है? ये जोहन है ना, गाली भी देत रही से, गाली देत रही से ना, तो ये मन गणेश ठंडा करी समिति वाला गिरी नहीं, तो दूठी रास्ते ठा रास्ते गाड़ी वाला इस गाड़ी ठरा है तो कह लेके, और एक रास्ता लेंगे तो गाली लिख दे ना, तो बात अच्छी तो हो, और बहुत से गाड़ी बहुत मना करें, बातें नहीं मानी चुका, कोई गाली गुलाई होत रही से। कब की घटना? आज के ग्राम केरा कछार में आज गणेश विसर्जन चल रहा था, उसी समय गांव का ही जोहन लोहार है, वो लड़ाई झगड़ा कर रहा था, जिसे पुलिस के द्वारा भी समझाने पर नहीं माना, तो धारा 151 में गिरफ्तार किया गया, उसे न्यायालय भेज दिया गया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।